सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर 4G स्मार्टफोन के लॉन्च करने के बाद वीवो अपने 5G स्मार्टफोन के यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पर जो ये जो स्मार्टफोन होने वाले हैं वो 10,000 रुपये के यहाँ पर अंदर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 और 6 जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं वो यहाँ पर इस स्मार्टफोन में यूज होने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर कल वीवो की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज आई है, जिसमें वीवो ने यहाँ पर कन्फर्म किया है कि हम अपने 2 स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं 2019 के लास्ट जाते जाते, जहाँ पर ये जो दोनों स्मार्टफोन होंगे ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10,000 रुपए के अंदर आने वाले हैं। और यहाँ पर इस स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट, यहाँ पर 5G नेटवर्क सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, सारा कुछ बात कर रहा हूँ डिटेल में इस वीडियो में इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ फीचर्स आपको इन दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और ये जो स्मार्टफोन है वो कौन से महीने में यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, तो ये जो दोनों स्मार्टफोन होने वाले हैं वो वीवो की 5G सीरीज के यहाँ पर होने वाले हैं। और वीवो यहाँ पर एक नई सीरीज अपना यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। पिछले मतलब कुछ टाइम पहले यहाँ पर रियलमी ने बताया था कि हम यहाँ पर 5G स्मार्टफोन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि मतलब मिड रेंज यहाँ पर स्मार्टफोन होंगे। तो फाइनली वीवो ने भी यहाँ पर बता दिया है कि हम भी 5G स्मार्टफोन के ऊपर यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर दिए हैं और ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर 10,000 रुपए के अंदर होने वाले हैं। और इन सभी स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की साइड देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में HD+ यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी, वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 7 और 6 जनरेशन वाला 6 सीरीज वाला जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए ही यहाँ पर खास तौर पे बनाया गया है। और इस स्मार्टफोन में आपको 5G का काफी सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में ये जो प्रोसेसर होंगे वो एक गेमिंग प्रोसेसर भी यहाँ पर माने जाते हैं, यानी आप छोटे मोटे जो गेम है जैसे पबजी वगैरह है उनको भी लो सेटिंग्स पे इन सारे स्मार्टफोन पे आसानी से खेल पाएंगे। तो मतलब काफी अच्छी चीज है जो कि यहाँ पर काफी सारी जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो यहाँ पर लेकर के आ रही हैं और काफी कम प्राइस रेंज में आपको 5G नेटवर्क सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर इन सभी स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की जो बैटरी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है इन सभी स्मार्टफोन में। साथ में अगर मैं बात करता हूँ कैमरे की, तो आपको यहाँ पर क्वाड रियर कैमरा यानी 20 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP कैमरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ फीचर्स जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं इन सभी वीवो के स्मार्टफोन के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन सभी स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर नवंबर से लेकर के दिसंबर के महीने में यहाँ पर लॉन्च हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर वो चाइना में लॉन्च किए जाएंगे, उसके बाद ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इंडिया में भी लॉन्च कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।